फॉर ऑल ऑफ अस एशियंस साउथ इंडियंस क्योंकि हम साउथ एशिया से हैं South, South तो खैर साउथ एशिया से हैं प्राउड uh, मोवमेंट है uh, हम लोग भी प्रूव uh, साइंटिफिक अचीवमेंट्स में आज मैं समझता तो हूँ बहुत बड़ी बात है कि भारत ने चार दुनिया के जो दूसरे चौथा मुलक है जो जिसने और उसमें खास करा लिया जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस जगह पे इसकी लैंडिंग है इसके जो इट वाज नॉट दैट इजी उस साइड पे वाटर पानी का होने का जिस साइड पे साउथ पोल डार्कर साइड है वहां रोशनी नहीं है वहां पर आइस है वहां पर और वहां पर पहली दफा आ, ये चल, चले चले चो, चौथे चार मुल्कों में तो शामिल हो चुके हैं ये लेकिन ये जहां लैंडिंग है दैट इज अ वेरी यूनिक प्लेस जहां पे ये लैंडिंग हुई है मैं अब इस पर थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा इसके भारत को क्या फायदे होंगे इसको भारत को एक तो देखें आ, एक तो जो स्पेस की रेस है उसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है आ, जिसमें अभी रिसेंटली लूनर थ्री जो था रशिया का वो लैंड नहीं कर सका क्रैश हो चुका है अमेरिका uh, की टेक्नोलॉजी भी जो है वो ए, 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 उसके ऊपर भी कई दाग आ चुके हैं उनके कई दफा सैटेलाइट यहां से वो उठ ही नहीं सके uh, पिछली दफा भी जो सैटेलाइट वो भेजना चाहते थे नहीं तो फिर बाहर से कुछ उन्होंने मदद हासिल की थी नासा का बजट कट कर दिया गया ओबामा साहब ने ऑलमोस्ट नासा को खत्म कर दिया था और मेरे ख्याल में अब दोबारा नासा फिर उस जगह पे नहीं जा सकेगा क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो है वो मैं मरदे बेबार है बिल्कुल उनको इकोनॉमी भी खराब है विल भी नहीं है ख्वाहिश भी नहीं है कई मसाइल हैं अमेरिका को इन हालात के अंदर भारत ने जो एक तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स में और दूसरा नेशनलिज्म को जो बूस्ट मिला है जो मैंने देखा है जिस तरीके से मोदी साहब ने साउथ अफ्रीका से उन्होंने उसको खिताब किया और जितना मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा था भारतीय मीडिया के ऊपर एक जो जज्बाती चीजों जो सेंटीमेंट्स थे लोगों के जो उनको नेशनलिज्म का बूस्ट मिलेगा मैं समझता हूं कि इसका इसके पच्चीस साल आगे जाएंगे और उनकी ग्रोथ को मजीद इसको आगे जाएंगे अब देखें इसकी मिसाल मैं छोटी सी देना चाहूंगा कि वो पहले ही अपना सर्च इंजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तरह गूगल है उसके बारे में कंपटीशन कराया जा रहा है भारत के अंदर अब ये इसकी एक मिसाल है इस तरह की कई चीजें आएंगी आगे जो भारत को will take it to the next level to make it the, the to पहले मैं हमेशा एक लफज इस्तेमाल करता था रीजनल सुपर पावर रीजनल से सुपर पावर से मुराद ये था कि एशिया की पावर मेरे ख्याल में ये जो चंद्रयान थ्री है it will take to uh, take them equal to the, uh, the, uh, to the to the to the, uh, to the top level जिस तरह एक तो इनको इसमें मैं समझता हूं मजीद यूनाइटेड नेशंस में वेट मिलेगा जो पहले भारत इंटरेस्टेड था कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगी उसके लिए इसका इम्पेक्ट होगा और उसके बाद जो भारत की प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में जहां जहां जाएंगी उनको बूस मिलेगा उनकी क्रेडिबिलिटी उनकी ड्यूरेबिलिटी उनकी मार्केटिंग पे इनको इसको इसको चीजें होंगी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक इससे मैं खास करके क्योंकि मैं खुद एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं एक जो चीज है मैं आज फिर दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो पाकिस्तानी है उनको सोचना चाहिए और वो नफरतों के जो है दरवाजे जो देखें आपने हमेशा एक मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि हिंदू कहकर दरवाजे बंद कर, कर दिए जाते हैं अपने अकल के भी और बार्डर के बार्डर भी बंद कर दिए जाते हैं दूसरी साइड पे जो ईरान है उनको शिया कह के दरवाजे बंद कर, कर दिए जाते हैं चाइना भाग भाग के जाते हैं हालांकि वो भी मुसलमान नहीं है और मैं जिस तरह आलिया आपसे पहले अर्ज कर रहा था हमारी बदकिस्मती है कि हर दस साल के बाद एक अजीब किस्म के इस्लाम का टीका पा, पाकिस्तानी कौम को लगाया जाता है जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लिक नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के अंदर पूरी दिस इज एनिवर्सल प्रिंसिपल यूनिवर्सल टूल है कि जो रिलीजन है वो दुनिया का एक कामयाब तरीन कारोबार है और उस कारोबार इतना लोक्रेटिव है इतना आसान है कि आप उसकी एक मैं जिंदा मिसाल ये देना चाहूंगा कि एक आदमी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के निकला है नए पाकिस्तान का खाब दिखाया दिखाया भी ट्विटर पे दिखाया भी फेसबुक पे सोशल मीडिया पे नए पाकिस्तान का खाब आज उसको कहा जाता है आज उसको उसका नाम मुर्शद एक खातून काला जादू साथ लेके उसके चल रही है इस किस्म के इस्लाम के टीके उस मुल्क को लगाए जाते हैं हालांकि मेरी नजर में जो मेरी एक नाकस नॉलेज है इस्लाम के बारे में आई एम नॉट अ रिलीजियस रिलीजियसाल काले जादू या इस तरह के टूनों की गुंजाइश इस्लाम में मौजूद नहीं लेकिन इस तरह के टीके लगाए जाते हैं आज मेरी उसी कौन से एक रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा ये के दरवाजे बंद करके भारत से कुछ सीखो भारत के मॉडल को सामने रख के चलो मोदी साहब के मॉडल को सामने रख के चलो नेशनलिज्म का मॉडल है वो मैं और किसी गलत गलत आइडिया ना उससे लिया करें मैं मोदी जी की बात करता हूं उनके नेशनलिज्म की तो फौरन क्या देते हैं शायद ये मोदी जी का भगत है ये भगत उसमें देखें हिंदुस्तान में किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हिंदुओं की है और उन्होंने उनको नेशनलिज्म दिया है यह मेरा मॉडल है मैं बताना चाह रहा था इस मॉडल को फॉलो करो नेशनलिज्म लेकर आओ आपके पास सिर्फ पाकिस्तान के डोमिसाइल और पासपोर्ट है यू आर नॉट पाकिस्तानी आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है अभी तक मैं ये मैं अप्रूव कर सकता हूं इन डिबेट कि अभी तक आपने 1947 में अगर ये पाकिस्तान दिया जो आज जो आपके हालात हैं अगर ये पाकिस्तान वाज ऑब्जेक्टिव तो आपने धोखा दिया है लोगों को आपने लोगों को बुला के यूपी से दूसरे शहरों से इधर से हिंदुओं को सिखों को मार मार के ये सेंचुरी का सबसे बड़ा धोखा नजर आता है क्योंकि आपने टू नेशन थ्योरी को भी आप देखा जाए तो वो भी आ, 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 आपके फिट नहीं आती आप आज तक कंफ्यूज हैं आज आज तक की डेट तक आइदर इज रिलीजियस स्टेट

इलेक्शन करा के पूछा गया था कि कहां कहां की आबादियां कहां जाएंगी लेकिन आपने जमहूरियत को भी मजाक बना दिया ना सियासत है ना जमूरियत है एक हाइब्रिड किस्म का निजाम है एक ऐसी स्टेट है जिस पे कोई ना कोई ना मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस आ लिया सारा दिन मेरा ये, ये इसी चीजों में गुजरता है करंट अफेयर में और दुनिया के प्रॉब्लम्स को पढ़ने के देखने में सारी थ्यूरिया फेल हो जाती हैं कि व्हाट इज दिस कंट्री चल चला कौन रहा है कौन चला रहा है इसको ये कौन चला रहे हैं कौन चला रहा है पाकिस्तानी है जो चला रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान को बचाने की ख्वाहिश क्यों नहीं रखते तरक्की की ख्वाहिश क्यों नहीं रखते वो क्या वजह है अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल आ लिया मैं खेच के लेके जा रहा हूं दूसरे साइड पे इस पर वापस आएंगे लेकिन अभी जो कैबिनेट बनी है उसमें कई कंट्रोल नाम है एक तरफ से हमारे जो आ, आ, जो नए फॉरन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने आते स्टेटमेंट दी है कि हम भारत से डायलॉग करना चाहते हैं भारत से अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं कैबिनेट के अंदर मिशाल मलक को रख लिया देखें कंफ्यूजन हर चीज में कंफ्यूजन है हर चीज के अंदर कोई 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 कहते सीरियसनेस नहीं है किसी को डायरेक्शन नजर नहीं आती या तो फिर वो इंडिया की बात ना करें आप कह दीजिए हम आलते जंग में रहेंगे इनके साथ अपना स्टैंड लें उनके साथ फिर बल्कि अगस्त को भी आप, उन्होंने कहा है कि हम अपना लेंगे थोड़ा सा इसमें आंसर भी देना चाहूंगा शायद ये बातें आईएमएफ के लिए बयान देते हैं शायद ये कहते हैं दुनिया को बताने के लिए देखें जी हम ये अट्राई अपनी कर रहे हैं लेकिन साथ मिशाल मलक को भी खड़ा कर दिया जिसका कंट्रोवर्सल उसकी सारी चीजें

अमेरिका का चांद पे जाना नहीं तस्लीम किया तो हम इंडिया का चांद पे जाना कैसे तस्लीम करेंगे तो साजिद साहब जब सोच ये हो कि पढ़े लिखे लोगों से भी ऐसी ही आपको बातें सुनने को मिल रही है कि ये तो इंसानियत की फता है ये तो जमीन की अर्थ की आपके प्लेनेट की फता है सबकी है ये फता आप उसको एक अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप नाकाम हो गए आपको को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाकामी फिर आपकी ही रहेगी तो क्या इस माइंड को चेंज किया जा सकता है देखिए इस मैं बल्कि हमेशा यही कहता हूं आलिया आपकी नफरतों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने कान और आंखें बंद करने कोई फर्क नहीं पड़ता वो दे द नेक्स्ट लेवल जो आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन है वो वहां तक पहुंच चुके हैं वो आपकी नफरतों से उनको कुछ नहीं होगा आपकी नफरत देखें इस वक्त आपने उनकी मिसाल छोड़ दें आपने अफगानिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा कारोबार किया है बहुत बड़ा कारोबार किया डॉलर इतने बनाए प्रॉपर्टी इतनी बनाई अफगानी उनके ऑब्जेक्ट उनको बेच के उनकी सारा कुछ आज वो बच्चे भी आपसे इतनी नफरत करते हैं हर बच्चा अफगानी आपसे उतनी नफरत करता है जितना एक बंगाली नफरत करता है पड़ोसिंग है आपके आपके मुसलमान भाई हैं उनके साथ देख लें अगर इनके साथ तो आप हिंदू करके दरवाजा बंद कर देते हैं ना हिंदू क्या है उनका अपनी अकल की अपने आंखें कान बंद कर देते हैं आप नफरतों में जाके अफगानियों का देख ले वो और सबसे बड़ी बात है वो देर टेकिंग टाइम वो दो मिलियन से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं वो और नफरत करते हैं आपसे वो दिल से नफरत करते हैं उनको पता है कि आपने आपने उनका इंटरेस्ट बेचा है आपने डॉलर बनाए हैं उनपे ऊपर लेकिन आप मुझे आलिया ये बात है ये जो आप जिन लोगों की पढ़े लिखों की बात करते हैं मेरा उनके लिए एक ओपन क्वेश्चन है चैलेंज है सब तो सबसे पहले तो मैं इनको पढ़ा लिखा नहीं मानता ये पाकिस्तानी जो फ्रॉड ड्रामा डिग्रियां ये जो पीस ऑफ पेपर यहां से लेकर जाते हैं ऑक्सफोर्ड से कैम्ब्रिज से हार्वर्ड से मैंने आपको शायद ये नहीं बताया आई एम मेकिंग अ प्लान मैटर राइटिंग द एंड एंड गोइंग टू रिक्वेस्टिंग पीपल कि इनको डिग्री देने से पहले इनसे हल्फिया बयान लिया करो कि अपने मुल्क को जाके लूटना नहीं है इनको पास करने से पहले इनके इनके ग्रेड देखा करो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट बन के जाते हैं यहां से आप कहते हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं कौन से ये पढ़े लिखे लोग हैं कोई एक डिपार्टमेंट इनमें से मुझे बता दे पाकिस्तान का फ्लाह मॉडल चल रहा है जो बड़ा ये फ्लाह डिपार्टमेंट ऐसा चल रहा है जो कि मॉडल है हमारे लिए और इन सबको चलाने वाले आपके फार्म एजुकेटेड है सारे मैं आपको मजे की मिसाल देता हूं आपका हर सी एस एस अफसर जो अठारहवे उन्नीस ग्रेड में आता है उसको आपके खर्चे पे भेजा जाता है हमारे यहाँ से डिग्री लेने के लिए अमेरिका और बर्तानिया से डिग्री लेके किस तरह चला रहा है रेलवे चल रहा है पी आई ए चल रहा है कोई डिपार्टमेंट आप मुझे बता दें जो चल रहा है चलाने वाले सारे जो है वो फार्म एजुकेटेड है आप किन तालीफ्ता लोगों की बातें करते मैं तो अपने डीएनए पर रिसर्च करना शुरू कर दिए मैंने कि वट आर वी हम दुनिया के किस तरह के लोग हैं ना हम अच्छे मुसलमान हैं ना हम अच्छे पाकिस्तानी तो वो कह रहे हैं सेंट्रल है। उधर से मुझे याद आ गया जिन्होंने ये कहा था कि मुझे शुक्र है कि मैं यहां का नहीं मैं इस लेकिन उसमें यह वजह है कि सोचने पर मजबूर हूं मैं वजह क्या है कि आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ के आके यहां वर्ल्ड बैंक के बन गए चेयरमैन वो यहां पे टेस्ला पे कंट्रोल उन्होंने कर लिया है लेकिन हमारे जो है वो हमारे चार चार सौ साल पुराने इंस्टीट्यूशंस में से पढ़ के जाके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं फ्रॉड कर मुसलसल फ्रॉड कर रहे हैं। जितने फ्रॉडिय इस वक्त पाकिस्तान में है सारे इन यूनिवर्सिटियों के पढ़े हैं जो यूनिवर्सिटियां है, चार चार सौ साल पुरानी है चार चार सौ साल पुरानी मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या वजह है कि चार सौ साल की एक पुरानी यूनिवर्सिटी की डिग्री या एजुकेशन आपके दिमाग के ऊपर से गुजर जाती है यहां से पीसा पेपर लेके जाते हो फ्रॉडिय बन के जाते हो ये क्वेश्चन मार्क है मेरा ये मेरा सब्जेक्ट है जिसपे मैं आजकल रिसर्च कर रहा हूं क्या वजह है अच्छा सादिद साहब क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज की बात करें सर मेरा आपसे सवाल ही होगा क्या अब ये नहीं होना चाहिए कि जब एक आपका हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच गया उसने करके दिखा दिया पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है तो आप अब अप अपने नौजवानों का इंट्रैक्शन उनसे उन शुरू करवाए आप कुछ इस तरह की ट्रांसफर करें नौजवानों के वहां पे भेजें पढ़ने के लिए इंडिया से कहें कि हमें अब आपकी मदद चाहिए ठीक है तालीम और उसमें जो है आप उनसे मदद लें क्या ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल ऐसा अब बिल्कुल ऐसा होना चाहिए हंड्रेड पॉइंट टेन परसेंट लेकिन कारोबार है मजहब और डिफेंस उसके साथ ये दोनों कारोबार है पाकिस्तान उस कारोबार क्या क्या करेंगे आप आपने सारी जिंदगी इश्यूज बना के रखे हैं बार्डर पर तनाव के लिए क्योंकि कारोबार था ये उसका क्या करेंगे और दूसरी बात यह करना चाहूंगा मैं सबसे पहले आलिया ये कौन कर, करने की जरूरत किसको है क्योंकि वजह क्या है जो दस हजार आपके रूलिंग एलिट हैं जो आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं जो पॉलिसी बनाने वाले हैं जो शार्ट कॉल करने वाले हैं उनके बच्चे सब तो बाहर पढ़ रहे हैं तो वो जो पाकिस्तान में ट्विटर आपके वो ट्विटर वाले सारे जो लगे थे मीरुल मोमनिन के पीछे वो तो सारे के सारे मेरा मकसद है लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं फारग हैं आवारा हैं लौंडे लपाड़े हैं उनकी किस्मतों के फैसले करने वाले तो वो, उनके बच्चे सब तो बाहर हैं वो वो क्यों करेंगे भाई वो वो बल्कि तो तो उनको डिप्रेस रखना चाहते हैं ये तो जो बच्चा बैठा है इस वक्त पाकिस्तान में जिसके हाथ के अंदर आईफोन मौजूद है उसको खुद सोचना होगा कि यार मैं ये मैंने ये जाके नौ मई जो किया मैंने दूसरे चीजों में बाहर निकलता हूं आवारा फिरता हूं मेरे लीडरों के बच्चे कहां हैं ये एक सवाल उसको खुद अपने आप से पूछना होगा कि इनके बच्चे कहां हैं ये, ये इनके बच्चे इनके साथ जलसों में क्यों नहीं है आज जितने जेलों में फिर रहे हैं इनमें किसी लीडर का बच्चा क्यों नहीं है ये सवाल उस उस लौंडे लपाड़े को चाहिए कि वो खुद देखे नहीं सर्च करे अपने आईफोन पे और उसके बाद जाके खुद कुछ आईफोन को यूज करके नॉलेज सीखने की कोशिश करे ये जो ऊपर आपकी रूलिंग लीड ये जो ब्रिटिश एजेंट है मैं आप वो भी डिफाइन करना चाहता हूं कि ये ब्रिटिश एजेंट है ये इनकी किस्मतों के फैसले नहीं कर सकते इस वक्त मैंने आजकल आलिया जो मेरे मैंने देखा है पाकिस्तान में दो किस्म के ब्रिटिश एजेंट फिर रहे हैं एक तो ब्रिटिश एजेंट ऐसे थे जिनके जिनको जो ब्रिटिश लोग थे जमीने गए उनका नाम है इलेक्टेबल अमीर उल ने फरमाया था कि इलेक्टेबल है अब वो फिर पार्टियां चेंज करके दोबारा असेंबली में पहुंचेंगे एक तो वो है दूसरे ब्रिटिश एजेंट कौन है दूसरे ब्रिटिश एजेंट वो हैं जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम के लिए ब्रिटिशों ने बनाया था आपको रूल करने के लिए जिनका नाम है कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार

तो ये ब्रिटिश एजेंट हैं वो जो बच्चा आज जिसके हाथ में आईफोन है उसको जान छुड़ानी पड़ेगी इनसे लेकिन किस तरह जान छुड़ानी पड़ेगी वो जो नॉलेज सारा दिन उर्दू में ट्वीट करता है पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये है इंग्लिश पे दें मैथ पे दें इसके बगैर गुजारा नहीं है अपनी किस्मत का फैसला खुद करना होगा आजकल कर भारत के अंदर जिस तरह मैं वो उनका स्लोगन आज कर रहा है सोच बदलो भारत बदलो इनको भी चाहिए होगा सोच बदलो पाकिस्तान बदलो वरना बचेगा नहीं ना पाकिस्तान बचेगा ना ये खुद बचेंगे और आ, और जिन हालात में इस वक्त इससे आप मजीद नीचे जाएंगे तो श्रीलंका से भी आगे चले जाएंगे ठीक तो अच्छा साहब इससे निकल के थोड़ा सा सर एक बड़ी अहम समिट है उस पे हम मैंने बात नहीं कर पाई मैंने कहा आपसे उसके ऊपर में एक सवाल हो जाए सर ये जो ब्रिक्स हो रही है इसमें एक तो ये कि इंडिया की तरफ से ये कहना है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का कि जनाब ये जो है ये एक्सपेंशन जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए कंट्रीज को शामिल करना चाहिए अच्छा और दूसरा जो पड़ा उसके अंदर नजर आया कि जो प्रेसिडेंट पुटिन है उन्होंने कहा कि मतलब एक छट करने का उनका अंदाज था उन्होंने बड़े बहुत बेबाक तरीके से तकरीर की वर्चुअल स्पीच थी लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारे जो है वो हम पे सेंक्शन लगेंगे तो ठीक है फिर हम भी वो जो ग्रेन डील है और उसमें हम भी देखेंगे लेकिन हम अफ्रीका के कंट्रीज की मदद करेंगे सिर्फ

जो मेरी अपना नॉलेज था उसके हिसाब से भारत उसको डिफेंड कर रहा था क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि इसकी एक्सपेंशन अगर हुई तो उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा 20 मुल्कों ने तकरीबन फॉर्मली तरीके से अप्लाई कर रखा है इसकी, इसको ज्वाइन करने के लिए लेकिन 40 तक का इसका आइडिया है कि चालीस कंट्रीज तक इसको एक्सपेंड किया जाएगा जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है अब उसमें मैं जो बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल इस वक्त हालात जो चल रहे हैं उसमें

कई डाउट किए गए थे कि नहीं चाइना इंडिया इस तरह डिलीवर नहीं करेगा इंडिया बैलेंस करेगा रशिया के साथ भी क्योंकि रशिया से तेल ले रहा है चाइना के साथ भी कन्फ्रंट नहीं करेगा आपने देखा होगा अभी भी इस ब्रिक्स के अंदर भी साइड लाइन पे प्रे, प्रेजिडेंट शी के साथ मोदी जी की मुलाकात है बल्कि यहां तक है कि वो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्स के बारे में भी आपस में डायलॉग करेंगे तो वो अमेरिका के अंदर एक डाउट्स हैं ये इस चीज पे कि भारत शायद पूरा पूरे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएगा लेकिन जो अलायंस बन रहा है वो वेस्टर्न कंट्रीज का आर्किस्ट जिस तरह आप बात हैं और उसमें इंडिया और अमेरिका का दूसरे दूसरा जो ब्लॉक है जिसमें चाइना और रशिया है आपने देखा होगा कि चाइना ने इन्फ्लुएंस गेन किया है मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया चाइना के साथ गया सबसे पहली दफा मैं समझता हूं कि चाइना ने जो आर्बिट्रेशन की है सऊदी अरेबिया की और ईरान की पहले इस तरह के मॉडल हमेशा वॉशिंगटन डीसी में होते थे फलस्तीनियों इसराइल वालों के इब्राहिम अकॉर्ड के दूसरी दुनिया के मिसाइल पहले कैंप डेविड में होती थी ये पहली दफा चाइना ने किया है अब भारत को उसका भी तशवीश है कि चाइना इन्फ्लुएंस गेन करना चाह रहा था इसी वजह से ऊपर उनको एतराजात थे लेकिन मेरे ख्याल में आज की जो स्पीच आप जिसकी जिक्र आपने भी किया है कि मोदी जी ने कहा है कि हम वो एग्री कर गए हैं उसकी एक्सपेंशन पे उसकी वजह ये है कि चाइना और रशिया का दबाव बहुत ज्यादा था आ, इस ब्रिक्स ब्रिक्स की एक्सपेंशन में और हो सकता है कि वो इन चीजों को रशिया भारत के जो अपने एतराजा से उनको बाईपास करके वैसे भी एक्सपेंशन की तरफ जाते लेकिन आज उन्होंने